हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो आज हम लेकर आए हैं संक्रांति स्पेशल मोती की पतंग सो so, इसमें आप डिफरेंट कलर और कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं सो so, आइए देखते हैं मटेरियल हमने क्या यूज़ किया है हमने यहाँ पे लिया है ग्रीन पर्ल वाइट पर्ल सुई और वायर सो so, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम वायर में चार मोती लेंगे अल्टरनेट ग्रीन वाइट ग्रीन वाइट और उसे एंड तक ले जाकर अच्छे से एक नॉट बांधेंगे सो so, यहाँ पे हम अच्छे से एक टाइट नॉट बांधेंगे इस तरह से हम एक टाइट नॉट बांधेंगे उसके बाद पे जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम एक या दो जितने भी मोती में से निकल पाए उतने मोती में से हम इसे निकालेंगे सो so, इस तरह से हमने एक मोती में से हमने ये धागा निकाला है अब सीजर की हेल्प से हम जो एक्स्ट्रा वायर है उसे कट करेंगे इस तरह से सो अब हम धागे को जो ग्रीन मोती है उसमें से निकालेंगे इस तरह से क्योंकि हमें ग्रीन साइड बीच में रखनी है इसलिए हमने ग्रीन में से सुई को निकाला है अब हम एक वाइट एक ग्रीन एक वाइट मोती लेंगे और ग्रीन मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से सो so, इस तरह से ये सेकेंड राउंड हमारा होता है अब हम एक वाइट और जो सेंटर का ग्रीन है उन दो मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे जिससे जो धागा है वो सेंटर में आ पाए इस तरह से वैसे ही हमें चेन बढ़ानी है अब हम वापस से एक वाइट एक ग्रीन एक व्हाइट मोती लेंगे और सेम उसी सेंटर के ग्रीन में से सुई को निकालेंगे ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट है अब हम एक व्हाइट और एक ग्रीन में से सुई को बाहर निकालेंगे और सुई को सेंटर के मोती तक लेके जाएंगे so, सेंटर के मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे सो so, इस तरह से हमें तेरह जो राउंड है वो कंप्लीट करने हैं सो ये हमारे तेरह राउंड कंप्लीट हो गए अब फोर्टीन राउंड में हमें सिर्फ प्लेन ग्रीन मोती लेने हैं तीन और उन तीन मोतियों को इस सेंटर के एक मोती में से हमें बाहर निकालना है सो इस तरह से ये पूरे ग्रीन मोती का एक राउंड रेडी होगा उसके बाद में सेंटर के जो ग्रीन मोती है उसमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से उसके बाद दो राउंड हमें वैसे ही वाइट ग्रीन वाइट के करने हैं सो तो ये दो राउंड हमने आगे के कर लिए हैं अब हम एक साइड का जो पतंग का साइड है वो बनाएंगे जिसके लिए हम जो सेकेंड वाला मोती है वहाँ पे हम उस सुई में से हम निकालेंगे इस तरह से एक मोती छोड़ के दूसरे मोती से हमें वर्क चालू करना है सो so, अब यहाँ पे ये यह साइड हम बनाएंगे और दूसरे साइड हम बाद में बनाएंगे सो so, अब हम यहाँ पे तीन वाइट मोती लेंगे और एक वाइट मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से और फिर नीचे का जो वाइट मोती है उसमें से हमें सुई को बाहर निकालना है इस तरह से अब जो हमने यहाँ पे ग्रीन मोती किया है उसमें जो पतंग के दोनों साइड में जो त्रिकोण रहता है वो हमें बनाना है जिसके लिए हम यहाँ पे एक वाइट एक ग्रीन मोती लेंगे और इस तरह से ये दो मोती ऑलरेडी थे सो ये चार मोती का रौन हमारा बन गया है अब हम सुई को नीचे के साइड लेके जाएंगे सेम हमें वैसे ही चेन बनानी है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इस तरह से हमें लेके जाना है सो so, यहाँ पे हम इस व्हाइट मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से सो so, अब हमें नीचे का राउंड बनाना है जिसके लिए हम व्हाइट और ग्रीन मोती लेंगे इस तरह से और सुई को नीचे के साइड लेके जाएंगे क्योंकि हम चेन ऊपर से नीचे बना रहे हैं सो इस तरह से हमें सात जो वाइट मोती है उतनी लेंथ रख के हमें यहाँ तक नीचे तक चेन बनानी है सो आप गिन सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक वाइट जो मोती है वो सात मोती तक आपको ये बनाना है सो so, यहाँ पे हमने सात मोतियों तक इसे चेन को बनाया है अब नेक्स्ट हमें जो लास्ट वाला मोती है उसे छोड़ के जो सेकेंड लास्ट मोती है वहाँ से हमें जो काम है वो शुरू करना है जिसके लिए हम तीन वाइट मोती लेंगे सो ये सेकेंड लास्ट मोती में से हमने सुई को बाहर निकाला है इस तरह से सो so, आप देख सकते हैं ये शेप आने लगा है यहाँ पे ट्रायंगल का अब हमें सुई को ऊपर के साइड लेके जाना है सो ये जो ग्रीन मोती है वहाँ तक हम लेके जाएंगे, और वैसे ही हमने ये जो राउंड है वो कंप्लीट किया है अब वापस से हम ऊपर से नीचे के साइड आएंगे हमें लेंथ कम 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 करते जाना है ऊपर से भी एक कम और नीचे से भी एक कम सो अब यहाँ पे हम वापस से तीन मोती लेंगे और जो सेकेंड लास्ट मोती है उसमें से सुई को बाहर निकालेंगे ऊपर से भी हमें एक गैप रखना है और नीचे से भी गैप रखना है इस तरह से ये ट्राइंगल बनता जाएगा सो यहाँ पे हमें सुई को नीचे के साइड लेके जाना है नीचे का जो व्हाइट मोती है वहाँ तक हम सुई को लेके जाएंगे चेन सेम बनानी है सिर्फ ग्रीन जो मोती है उसकी डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी है So, यहां पे एक ग्रीन और एक व्हाइट मोती लेंगे और इन दो मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से और फिर वैसे ही सेम चेन हमें सेकेंड लास्ट मोती तक कंटिन्यू करनी है सो so, यहाँ पे हमारी राउंड कंप्लीट है अब नेक्स्ट हमें जो ग्रीन मोती है वहाँ पे एक ग्रीन और दो वाइट मोती लेने हैं इस तरह से और सुई को अब ऊपर की साइड लेके जाना है वाइट मोती का राउंड करेंगे और फिर वापस से नीचे जो ग्रीन मोती है वहाँ पे हमें आना है सो so, ये हम नीचे ग्रीन मोती है वहाँ तक हम आ गए हैं ऊपर से नीचे लेके अब यहाँ पे हम पांच ग्रीन और दो व्हाइट मोती लेंगे और एंड का एक व्हाइट मोती छोड़कर बाकी चार ग्रीन और एक व्हाइट मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे हमें सिर्फ चार ग्रीन मोतियों में से सुई को बाहर निकालना है और धागे को टाइट करना है इस तरह से अब हमें एक ग्रीन मोती लेना है हमारे यहाँ यहाँ तीन मोती है दो ग्रीन और एक वाइट अब हम यहाँ पे एक ग्रीन मोती लेंगे और जो ग्रीन के पास का एक वाइट मोती है उसमें से सुई को नीचे से ऊपर इस तरह से लेके जाएंगे जिससे ऑटोमेटिकली ये चार मोती का राउंड बनेगा ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम सुई को ऊपर के साइड ले जाकर नॉट बांधेंगे इस तरह से आप ऊपर ले जाकर इसे नॉट बांध सकते हैं सो तो ये पतंग का हमारा एक साइड रेडी है अब वैसा का वैसा आपको ये दूसरे साइड पे सेम वैसा ही बनाना है सो तो यहाँ पे मेरे दोनों साइड बन चुके हैं आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट शेप आया है आप इसकी साइज़ बड़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं आप इसे बड़ा चेन भी बड़ा कर सकते हैं बड़ा साइज का मोती ले सकते हैं यहाँ पे मैंने दो इस तरह के पतंग बनाए हैं सो so, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो so मच